आप लोग देख रहे हैं शाम की चाय वे डॉक्टर आफिया और आज आपकी शाम की चाय में मैं जिस मेहमान को लेकर आई हूँ जहाँ आप शाम की चाय भी पीते हैं कुछ कुछ इंजॉय भी करते हैं कुछ कुछ मालूम भी करते हैं कोई इंफॉर्मेशन भी लेते हैं कोई बस बस हमारा वो मकसद ये होता है कि आ, आप जो है इंजॉय भी करें और आप कुछ सीखें भी सबसे पहले हमारे पास एक डिज़ाइनर होगी फैशन डिजाइनर होंगी विद व वेरी अनयूजल क्वेश्चन वो नहीं कौन सा कपड़ा इन है तो कौन सा कलर है मतलब I'm, 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 आप और मैं हम सब शायद थक चुके हैं इस तरह के सवालत से तो हम इस तरह की बात नहीं करेंगे हम कुछ और ही बात करेंगे फिर हमारे पास एक फिटनेस एक्सपर्ट होंगी और वो फिटनेस एक्सपर्ट जो है वो आपको सिर्फ बैठ के नहीं बताएंगे कि आप अपना कैलोरी काउंट का ख्याल रखें और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इतना पानी पिए नहीं ये नहीं करना हम उनसे बातें करेंगे बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन इंफॉर्मेशन वाली बातें करेंगे और एप्लीकेबल इंफॉर्मेशन जो होती है जो आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे सोच सोशल मीडिया के तार सारे नेटवर्क इज़ फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल लाइक फॉलो सब्सक्राइब सबकी आईडी जो है वो एच नाव टी है और फीडबैक जहाँ देते हैं फीडबैक एट एच नाव डॉट टी वी यहाँ पर हमें फीडबैक ज़रूर दिया करें अभी भी आपके पूछे हुए सवाल हैं मैंने कुछ नहीं करना मैंने कुछ भी नहीं करना मैं सिर्फ आपके पूछे हुए जो सवाल हैं वो मेहमान से करते जाऊंगी और ख़ुद जो समझ में आता है सियासत करती रहती हूँ तो एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आप दोबारा मिलते हैं Welcome back to शाम की चाय और आज जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले, पहले बताया कि अभी हम चाय पीते हुए जो बात करने वाले हैं वो है जी पर्सनल ग्रूमिंग के हवाले से। uh, हाँ, पर्सनल पर्सनल की डेफिनेशन और के बारे में जानेंगे हमारी फैशन डिजाइनरिटी कैसी हैं आप बताएं क्या आई एम गुड और देखिए पर्सनल ग्रूमिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं पर्सनल ग्रूमिंग में आपकी क्लिनलीनेस आपका जो है आप वो डिफरेंट वेदर्स की भी हम बात करेंगे वैदर यहाँ पर और एक अमेरिका हाँ, में बिल्कुल बिल्कुल देखिए वेदर किसी भी किस्म का हाँ, हो लेकिन आपकी जो पर्सनल ग्रूमिंग है जिसमें सबसे पहले सफ़ाई अपने आप को जो है वो मतलब बिल्कुल फ़्रेश ताज़ा तरोताज़ा रखना होता है और तरोताज़ा रखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप परफ्यूम्स इस्तेमाल करें क्योंकि परफ्यूम वो चीज़ है जो थोड़ी देर के लिए तो कैमेफलाज कर लेता है लेकिन वो लॉन्ग टाइम नहीं है और समटाइम्स अगर आप बहुत ज्यादा परफ्यूम इस्तेमाल करेंगे तो वो भी बहुत ऑब्वियस सी और बहुत बहुत ऑकवर्ड सी चीज हो जाती है तो सबसे जरूरी और सबसे नंबर वन जो चीज है वो मैं समझती हूँ डिओड्रेंट है डेओड्रेंट है। का इस्तेमाल तो बहुत उन्होंने कि डिओड्रेंट का इस्तेमाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए डिओड्रेंट बिल्कुल बिल्कुल यू आर सो राइट बच्चों को बचपन से इस बात की आदत डालें कि शावर लेने के बाद जैसे ही बॉडी ड्राई की है तो डिओड्रेंट का इस्तेमाल करना है और डिओड्रेंट का इस्तेमाल ही वो ओनली चीज है जो एक वो जो आ, बॉडी ऑर्डर जो होता है स्मेल exactly. सी होती है वो उसको हटा देता है। दे है। वो चीज नहीं आती उसके बाद आप बेशक मतलब कुछ भी कोई भी कपड़े पहने जरूरी नहीं है आप नए एक्सपेंसिव महंगे वाले कपड़े पहने कपड़े आपके चाहे जैसे भी, भी हो साफ, साफ सुथरे हाँ साफ सुथरे कपड़े होने ले चाहिए लेकिन अगर आपने अपनी बेसिक जो जरूरी चीजें हैं वो कर ली हैं यू आर गुड टू गो तो आई थिंक यही सारी चीजें आती हैं पर्सनल ग्रूमिंग में फिर उसके बाद तो हम बहुत सारी चीजों पर बात कर सकते हैं कपड़े हो गए मेकअप हो गया शूज हो गए ज्वेलरी हो गई हर चीज़ आती है लेकिन आई थिंक जो बेसिक दो तीन चीज़ें हैं वो ये हैं तो और मैं समझती हूँ कि ये बहुत जरूरी है हर वेदर में लेकिन स्पेशली समर में क्योंकि समर में स्वेटिंग yes. आपके कपड़े जो है वो बहुत जल्द मैले गंदे हो जाते हैं तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए एहतियात और कुछ तदाबीर हैं जो जरूरी होती है जिसमें हमने अभी डिओड्रेंट का जिक्र किया की, की बात की अच्छा वैसे बड़ी अच्छी उन्होंने वो एक तो डिओड्रेंट की बात की दूसरा उन्होंने बात की मेनिक्योर और पेडिक्योर बड़े हुए क्यूटिकल्स बड़े हुए नेल्स नेल्स अंदर से गंदे नज़र आ रहे हैं नेल कलर लगाए तो आधा कहीं से चिप ऑफ है कहीं पर है अब पता है क्या ठीक है बहुत सारे लोगों के पास ये वक्त नहीं होता टाइम नहीं होता या बच्चे बहुत होते हैं कुछ ना कुछ ऐसा काम होता है बस जा निकलते वन हम उसके ऊपर एक कोट लगा ले अगर आप कुछ और नहीं कर पा रहे हो उसको प्रॉपरली उतार के उसको प्रॉपरली नहीं

पर्टिकुलरली डैंड्रफ के लिए होता है ना वो होना चाहिए जिसमें हेड एंड शोल्डर हाँ हेड एंड शोल्डर वगैरह है ब्रांड नेम तो नहीं लेंगे हाँ, but, कोई भी चीज़ मतलब एंटी डैंड्रफ डेंड्रव हो जो आपका एंटी डैंड्रफ हो जो आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करके रखता है True. फिर वो आपके शोल्डर पे डैंड्रफ नजर नहीं आती है एटलीस्ट एट नहीं बना रहे हम वो एट अच्छा <laughs> जी कहना ऑकवर्ड लगता है समझ नहीं आता कि क्या करे इंसान मुंह उधर कर रहा होता है इधर कर रहा होता है पीछे कर रहा होता है यूं कर लेता है बट क्या करे क्या मतलब करे? अगर आप किसी से बात कर रहे हो और उसके इस मुंह से स्मेल आ रही हो आई नो ठीक है बहुत ही हाँ देखिए मेडिकल इश्यूज मेडिकल इश्यूज भी होते, होते हैं, हैं मेडिकल इश्यूज uh, ये बॉडी ओडो के भी होते हैं बाय द वे होते हैं बिल्कुल हाँ, अगर मेडिकल इश्यूज नहीं हैं और उसके बावजूद आपने अपनी हाइजीन तक का ख्याल नहीं रखा हुआ आप फ्लॉस नहीं करते आप दिन में एटलीस्ट एटलीस्ट दो बार ब्रश नहीं करते uh, अजीब आपके येलो पीले ऑरेंज से दांत नजर आ रहे हैं है ना तो ये सब चीजें जो है ये बहुत बहुत ऑफर लगती हैं और ये सब चीज़ें आपकी पर्सनल ग्रूमिंग में आती हैं जी आती हैं बिल्कुल और जहाँ तक हम मुँह में जो स्मेल होती है उसकी बात करते हैं ना तो आ, माउथ वॉशेज होते हैं माउथ वॉश इसके अलावा हाइजीन ही रखें तो तो उसको जरूरत बिल्कुल और इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज होती है ना वो आपका होता है पानी का इनटेक oh, yes. ये एक बहुत जरूरी चीज है अगर आप पानी नहीं हाँ. पीते ना पूरा पानी नहीं पीते Dehydrated तो वो स्मेल जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से आ रही होती है तो और कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपना पानी का इनटेक और माउथ वॉश हाँ एटलीस्ट कुछ खाने के बाद ना फॉर फुगौत सेक मतलब ठीक है शायद आप घर पे नहीं है तो कुल्ली तो कर सकते हैं

अलमास जी लोगों को मैंने देखा है उफ क्या मेकअप क्या कपड़े क्या बाल और पाऊ ओ, ओ ओ माय गॉड ये कहीं पड़ोसन से लाई कहाँ से लाए है बिल्कुल, 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 बिल्कुल। के हवाले से चलो ठीक है आप मुंह पे मेकअप कर लेते हो थोड़ा नेक और हाथ पे भी शायद लगा लेते हो पाओ तक शायद नहीं पहुंच पाते बिल्कुल भी हाँ। और फिर पाँव के टूटे पूटे नेल्स पाँव का बिल्कुल ख्याल ना रखा कटी पुटी एरिया बिल्कुल बिल्कुल देखिए इसी को हमें कहा ना कि जैसे मैनीक्योर आपके हाथों के लिए हो गया पेडिक्योर पैरों के लिए हो गया अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सलोन में जा सके पेडिक्योर हाँ, करवाने हाँ, के लिए जरूरी तो कोई ज़रूरी भी, भी नहीं है आप घर में ही जो है वो उसको केयर कर सकते हैं एक तो ये है कि आई नो कि हमारा यहाँ कराची में स्पेशली वेदर भी ऐसा है प्लस धूल मट्टी तो अगर आप मेरी तरह ऑल द टाइम फ्लिप फ्लॉप्स और खुले सैंडल्स पहनते हैं ना फिर तो मैं बंद शूज नहीं पहन सकती हाँ, तो, तो फिर तो, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके पैरों को ऑल द टाइम क्लीन होना चाहिए रात सोने से पहले तो भी करना, चाहिए। करना है और रात आप सोने से पहले रख रहे जी सोने से पहले बिल्कुल रात में सोने से पहले सुबह जब आप उठे हैं तो उसके बाद लोशन है या मतलब कोई ऐसा अच्छा ऑयल है मॉइस्चराइज करना होता है जिससे वो जो फ्लैकीनेस और जो एक वाइट नजर आता है ना आपके पैर जो नजर आते हैं वो चीज कम हो जाती है रात में लोशन लगा के या किसी किस्म का कोई अच्छा ऑयल लगा के कॉटन के सॉक्स पहन ले वो रात भर आपके पैरों को ऐसा अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करते हैं कि मॉर्निंग में जब आप सॉक्स उतारेंगे ना पैर आपके खूबसूरत नजर आ रहे होंगे सॉक्स Oh That's another thing. No, <laughs> वो तो कोई कहानी है मतलब सॉक्स की सॉक्स की कहानी पे और कपड़ों पे. <laughs> अभी आते हैं आएंगे uh, छोटे से ब्रेक ले ली मां बिल्कुल जी फिर बिल्कुल, हम बिल्कुल, जी आज हम पर्सनल ग्रूमिंग में हर चीज के बारे में बात करेंगे जी, हाँ, जी, हाँ जी हाँ जी बहुत इम्पोर्टेंट <laughs> भी है विल बी राइट बैक बैक शाम की चाय हम बात कर रहे हैं जी पर्सनल ग्रूमिंग के हवाले से जो, जो, जो ग्रूम कहते हैं ग्रूम करना अपने आप को साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रहना स्मेल लेस रहना हर चीज आपकी साफ सुथरी हो कपड़े भी नाखून भी फेस भी बाल भी आप एक साफ पर्सनालिटी नजर आ रही हो ये कितना इंपॉर्टेंट है यू you नो know? अब इसके बाद क्या कपड़े पहने क्या कैरी करना है वो तो उसकी बात की बात है पहली बेसिक चीजें जो हम बात कर रहे हैं अब है हम ब्रेक पे जाने से पहले एक टॉपिक पे फंस गए <laughs> अरे मैं इनको बता रही थी कि मेरे घर में एक रूल है हम लोग घर में घुसने से पहले जो घर का एक मैंने जगह स्पेशली बनाई हुई है वहाँ पे सबको शूज उतारने होते हैं घर में कोई जूते लेके नहीं आता ये रूल है मेरे घर में चाहे कारपेट हो चाहे फर्श हो फर्श आपको एकदम साफ मिलेगा कारपेट आपको एकदम क्लीन मिलेगा

तो आपको अपने पाओं की हाइजीन सॉक्स का ख्याल जी बिल्कुल बिल्कुल वही बात है ना पेडिक्योर टाइम टू टाइम होना चाहिए और आपके पैरों की सफाई घर में भी होनी चाहिए अः अगर ज्यादा टाइम नहीं है तो कम से कम अपने पैरों को जो है वो आ, किसी सॉल्ट में या मतलब थोड़ा सा कोई शैम्पू है दोई कोई चीज़ पानी में डाल के थोड़ी देर रखें, दे रखें। आपके एटलीस्ट पैर आपके साफ हो जाएंगे तो स्मेल से बचेंगे सॉक्स आपका जो है वो एवरी टाइम फ्रेश धुलावा होना चाहिए क्योंकि सबसे जो मतलब मसला जो आता है ना सॉक्स की वजह से आता है सॉक्स आपके क्लीन होने चाहिए पैर आपके क्लीन होने चाहिए आपको पता है जूतों में डालने के लिए भी ना एक

आपने उसके ऊपर यूं करके टांग दिए। okay. अब वो मशीन में उसको साफ करना है डिसइंफेक्ट करना है गरम करना है। मतलब अंदर से बिल्कुल वो साफ साफ हाँ। तो बिल्कुल छोटा सा होता है ये छोटे छोटे से बॉल्स होते हैं ये आप शूज में डाल दें वो तो आपके मतलब बिल्कुल दूर तक चले जाएंगे क्योंकि साइज बड़ी छोटी सी और हमारे पुराना देसी तरीका सूरज में रखते हैं बिल्कुल लेकिन बेहतरीन समटाइम्स ना सूरज में रखने से आपके जूतों पे जो इफेक्ट हाँ, तो तो आता, हाँ। आता है जूतों पे इफेक्ट आता है खराब खराब हो हो जाते हैं रंग उनका खराब जाता है तो आई थिंक जो बेस्ट चीज है वॉशेबल टाइप भी वॉशेबल भी होते तो हैं जैसे जॉगर्स हो गए है जॉगर्स वो वॉशेबल होते हैं लेकिन बाकी जो आपके ड्रेस शूज होते हैं वो वॉशेबल नहीं होते हैं तो उनके लिए बस यही किया जा सकता है की उनको साफ सुथरा रखा जाए और अगर आप सॉक्स पहन रहे हैं तो आपके सॉक्स तो मस्ट फ्रेश धुले हुए एवरी मॉर्निंग होने चाहिए रिपीट नहीं होने का दाने होते है कुछ लोगों के फेस पे निकले हुए या नाग बरी होती है जी मतलब बड़ा कॉमन एक चीज तो अब हम उन्हें क्या देखते हैं अब वो हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करते हैं तो ओ ओ मतलब ये ओ सीडी की बात नहीं है लेकिन जस्ट दैट के बिकॉज थिंक उन्होंने अपने दानों पे कितनी बार हाथ लगाया हुआ है लगाया उन्होंने कितनी बार यूं किया हुआ है मतलब यू नो यू थिंग, तो आपको इन सब चीजों का ख्याल रखना है कि आपके हाथ बिल्कुल साफ हो सैनिटाइज हो आपने भी होंगे किए कहती थी कोविड को आजकल तो कोविड कोविड की वजह से हाँ वैसे भी मतलब हम बहुत ज्यादा एहतियात करते होते हैं किसी से मिलने से यू नो बहुत करीब नहीं जाते बहुत ज्यादा करीब नहीं जाते हाथ नहीं मिलाते लेकिन जब हम ये सब किया भी करते थे तो उस वक्त भी सोचना पड़ता है कि भी वो मतलब नज़ला हुआ हुआ है या कोई ऐसी चीज़ है या आपके बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं तो फिर आपके हाथ भी ज़ाहिर साफ़ सुथरे होने चाहिए इसके लिए आप कोई वो जो वेट वाइप्स होते हैं जो ऐसी हाँ, हाँ, कोई हाँ, चीज़ अपने पास हाथ हाँ में रख लिया सैनिटाइज, सैनिटाइज ओ, करें अच्छा पहनने में ना मैं ये नहीं कहूँगी कि वो तो हर एक की अपनी मर्जी होती है जी जी जो पहनना है यू नो बट हर एक को हर एक के ऊपर कलर्स डिफरेंट अच्छे लगते हैं किसी के ऊपर एकदम से यू नो द कलर यू वेयरिंग हमारे यहाँ ये दिस इज रस्टी रेड रस्टी हाँ रस्टी हाँ, रेड रस्ट 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 अब रस्टी रेड जो है बहुत सारे लोग और रस्टी रेड और उसकी फैमिली जो ऑरेंज वाली आती है लोग अवॉइड करते हैं नहीं पहन रहे होते नहीं पता नहीं कैसा लगेगा तो क्योंकि ये कलर्स हमारे यहाँ पे इतने आराम से एक्सेप्टेबल नहीं है शॉकिंग पिंक रस्टी रेड यू नो आई नीड टू बी वेरी ऑन बिल्कुल करते। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो कलर्स के लिए हम लेकिन मुझे मैं, मैं ये पूछना था कि, कि कपड़ों के हवाले हाँ से जब हम कपड़ों वो भी ग्रूमिंग का पाचन well, कोर्स किस तरह के लोगों को किस तरह के कपड़े पहने जाए इसमें सब तरह के लोग आते हैं आ, यही बात है कि सबसे पहले जब आप कलर का इंतखा करते हैं ना तो वेदर देखा जाता है आपकी सराउंडिंग्स देखी जाती है आप कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं वो हमें देखना पड़ता yes, है हुँ. और कलर तो हमेशा वही इस्तेमाल करें जो आपके कॉम्प्लेक्शन पे परफेक्टली आते हैं हर कलर हर, हाँ, हर, <laughs> हाँ, हर कलर हर एक के लिए हाँ हर कलर एक के लिए सुटेबल नहीं होता है तो हर कोई हर कलर पहन नहीं सकता है वेदर के लिहाज से बस आप देखें और प्लस अपने कॉम्प्लेक्शन को देखें कि कौन सा कलर आपके कॉम्प्लेक्शन के साथ सूटेबल है ये सूटे तो, तो इंसान को पता पता ही होता है कि मैं काला पहनूंगा तो मैं अच्छा लगूंगा मैं सफेद पहनूंगा तो मैं थोड़ा सा टैन लगूंगा को पता होता। हाँ ये वाली बातें तो हमें पता होती है बट कुछ स्पेसिफिक कलर्स है जिनके बारे में नहीं पता होता जैसे आपने कभी बहुत सारे लोगों ने जिंदगी में कभी पर्पल नहीं ट्राई किया पर्पल पर्पल के शेड्स नहीं ट्राई किए ब्लू के शेड्स नहीं ट्राई किए पिंक के शेड्स नहीं ट्राई किए डर के मारे कैसा हो जाए हाँ तो ब्राउन के शेड्स नहीं ट्राई किए बिल्कुल बिल्कुल शेड होते हैं तो इन सब चीजों को अपने ऊपर एक बार रख के देख जरूर लिया ब्राउन एक वो कलर है जो मेरी फेवरेट uh, लिस्ट में कभी भी नहीं आया ब्लैक ऑन द टॉप है और ब्राउन oh, कभी भी नहीं आता बिकॉज ब्राउन आई डोंट नो ब्राउन कलर मेरी समझ में ही नहीं आता हालांकि यू नो कि मेरा प्रोफेशन क्या है राइट एज अ डिजाइनर आई नो कि कस्टमर्स की डिमांड कस्टमर oh, yes, की डिजाइन आई मीन डिमांड्स होती हैं कि उन्हें ब्राउन भी चाहिए कॉफी कलर चाहिए जरूरी नहीं है आप डार्क ब्राउन लें कॉफी कलर होते हैं बेज कलर होते हैं ये सारे ब्राउन की फैमिली ब्राउन से की आते हैं है। ये सारी ब्राउन की फैमिली है डार्क ब्राउन से मैं पर्सनली दूर रहती हूँ क्योंकि वो ब्राउन मेरी तो समझ ही नहीं आता अच्छा, लेकिन मैं कुछ कुछ दूसरे कलर्स ले। हैं जो हम मैं चलाती हूँ जैसे बेज हो गया एक अच्छा वाला कॉफी कलर होता है एक कुछ बिस्किट सा कलर होता है वो फिर भी हम पहन ले तो मैं इस टाइप का होता है लेकिन डार्क ब्राउन मैं खुद कभी नहीं कभी नहीं पहन आई थिंक इट विल चले मैं नेक्स्ट नेक्स्ट इट विल अच्छा पता है इसका एक बेहतरीन तरीका क्या होता है अभी तो माशाल्लाह हमारे पास बुटीक्स बने हुए हैं मॉल में आप किसी भी स्टोर में चले जाएं जो रेडी टू वेयर कपड़े अवेलेबल हाँ हा। होते हैं उनको आप जाके ट्राई करें उसमें अब कोई कलर आपने कभी नहीं पहना है तो आप उसी हाँ। कलर को पिक करके ट्राई करें ट्राई करना मना नहीं पहना और आपको लगता है कि इसको देखने की जरूरत है कि ये सूटेबल है या नहीं है आप वहां जाके ट्राई कर ले आपको पता चल जाएगा की कैसा लगता है आप काले लगेंगे पहन के तो देखे बहुत सारी चीजें पहनने के बाद पता चल कुछ ऐसे एक्जम्स बस एक होते हैं जो हमने बनाए होते हैं सूट नहीं करेगा या वो कलर सूट नहीं करेगा लेकिन जैसा मैंने बताया ट्राई करें आपको आइडिया आ हो जाएगा हाँ। अच्छा आपके आउटफिट्स के बारे में मजे की चीज मुझे है क्या लगती है क्या लगती है, है? क्योंकि उसमें सब कुछ होता है बहुत सारे कलर्स हो तो वो चीज भी कंपल हो जाती है और प्लेन भी इनके कपड़ों में प्लेन भी होता है और इनके कपड़ों में एक बहुत हाईली प्रिंटेड किस्म की चीज भी होती है जैसे कि आप अभी देख सकते हैं दिस इज़ प्लेन 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 शर्ट शर्ट और इस के oh no right. no, yeah, no, इसमें आपको हर कलर डिफरेंट तरीके से कुछ इसमें मतलब डिजाइन ये चीजें आप लोग ढूंढते मुझे अपने लिए तो बहुत ही पसंद है और मैं बहुत मतलब प्रिंट्स पे जा रही होती हूँ हमने अच्छा क्योंकि हम आउटफिट की बात करें तो उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है शूज अच्छा अब शूज में ये कि हम सबको ऑब्वियसली सबको हील्स पहनने अच्छा लगता है अच्छी लगती भी है बट हील्स

आई थिंक प्लेन ही अच्छे लगते plain हैं प्लेन अच्छे लगते हैं हाँ। क्योंकि देखिए ना मेरे एक पीस एक जो आर्टिकल uh, है वो मेरा प्रिंट पे है ठीक हाँ. है ना तो बाकी चीजें भी अगर मैं उल्टी सीधी पहनूंगी तो वो कभी भी आपको आपके आउटफिट को बैलेंस नहीं करेंगे आपको बैलेंस नहीं करेंगे टू मच ऑफ मैचिंग यस व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट टू मच ऑफ मैचिंग भी 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 नहीं होना चाहिए क्योंकि वो वो फिर ओवर लगता है है भी है और और लगाया की की लगी तो मतलब हैं अब मैं आ, आ, और तो दस... भी कोई पता नहीं कहां से ढूंढ के लाए आप hmm. बेबी पिंक इयर <laughs> नहीं नहीं, तो इस, इस वक्त गोइंग वेरी वेल टॉकिंग अबाउट आई नो आई आई आम जस्ट जोकिंग मैं दिखा रही थी हाँ, कि देखिए क्या कलर पहना हुआ है मैंने या, तो, कुछ लोगों को मैं ऐसे जानती हूँ उन, हर, हर हाँ, स्पेशली go, oh well कुछ कलर है जैसे बेबी पिंक हो गया या पिंक का कोई शेड हो गया अब आप हेड टू टो ऊपर से नीचे तक अगर आप उस एक ही कलर में नजर आ रहे होंगे वो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा कलर को थोड़ा सा कुछ नहीं है तो कम से कम अपना जो है ट्राउजर अगर आपने डिफरेंट कलर का पहना है उसके साथ कुछ तो थोड़ा सा प्रिंट कुछ मिला लें कुछ कर लेकिन जरूरी नहीं है कि रिबन भी उसी कलर की हो तो आपकी ज्वेलरी भी उसी कलर की है यू कैन नॉट गो लाइक पता नहीं आते <laughs> अच्छा ब, बड़ी इंपॉर्टेंट अब ये चीज़ है जी ये पर्सनल ग्रूमिंग में आती है कपड़े जो आपने पहने हुए हैं उसका आपके मेकअप पे कितना इफेक्ट होना चाहिए जबरदस्त और बहुत जरूरी इफेक्ट आता है उससे मेकअप मेक पे आपका देखें एक तो आपका डे एंड नाइट का डिफरेंट होता है क्योंकि डे में आप वो मेकअप नहीं करेंगे जो आप नाइट में करेंगे अच्छा डे और नाइट के मेकअप में आपको बेसिक फर्क क्या लग रहा है आई शेडोज जैसे मैं जितना जानती हूँ मेकअप के बारे में ऑफकोर्स मैं बहुत ज्यादा ब्यूटिशियन nah, और मेकअप टाइप ऑफ ठीक है ना यूजेज आप अपनी आईज को जो है वो सटल सिंपल रखे लिपस्टिक थोड़े से लाइट कलर की लगाए क्यूँकी लिपस्टिक बहुत ज्यादा डार्क होगी तो वो मजा नहीं देती स्पेशली समर टाइम हो गया अगर आप लगाए तो फिर आपके कपड़े बड़े लाइट कपड़े होने चाहिए हाँ।, हाँ रात में अगर आप जा रहे हैं अपने पर्स में एक दो ऐसी मेकअप रख की तो <laughs> रखना तो एटलीस्ट आई शेडो किट होती है जो वो आप रख लें छोटी छोटी सी होती है लिपस्टिक एक हो गई क्योंकि आपको लिपस्टिक तो फ्रेश करनी ही पड़ती है राइट तो ये छोटी छोटी सी चीजें देखने वाली होती है इनका थोड़ा सा अगर ख्याल रखा जाए Are good to go. कपड़ों और चीजें वो बात हमने जरूर की लेकिन ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू सर हमने जो पर्सनल ग्रूमिंग में बात की प्लीज किसी को बिल्कुल नहीं ये एक जनरलनेस है जो आपको दी जा रही है अगर आप नेक्स्ट टाइम अपनी इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए आप नाइस है ना क्लीन है और जो एहसास होता है ना खुद भी साफ होने का वो बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट होता exactly. है एक्सैक्टली इम्पोर्टेंट पर्सनल हाइजीन भी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है थैंक यू मा लवली टॉक से बहुत मजा आया here. हम लेंगे यहाँ पे एक छोटे सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा भी लेंगे कहीं मैं जाएगा